I'll just share my screen. So, कल क्या क्या करा था हम लोगों ने? हेलो, कहाँ सेक्शन तक कर लिया था हम लोगों ने? सेक्शन 51 51 तक कर लिया था हम लोगों ने, तो कुछ रिवाइज कर लेते हैं कल का क्या क्या पढ़ा था. आप लोग मुझे बताइए कि ओपिनियन एज टू रिलेशनशिप कौन से सेक्शन में रेलेवेंट है? 50 50 में. और डिजिटल सिग्नेचर के केस में, एक सेकंड, डिजिटल सिग्नेचर के केस में 47A ओके. और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, इलेक्ट्रॉनिक और 43A 43A के अंदर रेलेवेंट है. और उसके बाद आपका ग्राउंड्स ऑफ ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट कब होगा रेलेवेंट? ग्राउंड्स ऑफ एक्सपर्ट, हाँ, एक्सपर्ट के ग्राउंड्स, जो फैक्ट्स जो कहीं कहीं ना कहीं जो सपोर्ट करें, फैक्ट जो रेलेवेंट हो या इरेलीवेंट हो, जिसपे 45 46 में, 46 में है वो चीज. किसमें है? 46 में है वो चीज. वो है आपका 46 में दिया हुआ है, ठीक है. एंड देन आपका एक्सपर्ट ओपिनियन किसमें है? एक्सपर्ट ओपिनियन तो 45 जी हाँ. सो अनीता, आपने कल क्लास नहीं करी थी ना शायद? नो मैम. अच्छा, तो कल हम लोग ने टिल सेक्शन 51 देख लिया था, ठीक है. सेक्शन 51 हमने देख लिया था कल. हमने एक्सपर्ट ओपिनियन पढ़ा था, बेसिकली एक्सपर्ट ओपिनियन पढ़ा था कि किसी भी मैटर पे कोर्ट चाहे तो किसी भी थर्ड पर्सन का, हु इज कंसिडर्ड, हु इज स्किल्ड इन दैट फील्ड, स्किल्ड जो है उस फील्ड में, उसकी एक्सपर्ट ओपिनियन ले सकते हैं. लेकिन कुछ कुछ पर्टिकुलर केसेस में ले सकते हैं सिर्फ. कौन कौन से केसेस हैं सारांश जिसमें हम एक्सपर्ट ओपिनियन ले सकते हैं? मैम, सबसे पहले तो फर्स्ट वाला में तो याद नहीं आ रहा है. सेकंड वाला है आर्ट एंड साइंस, उसके बाद है हस्तलेखन, उसके बाद है हस्तलेखन, फिंगर फिंगर इंप्रेशन. यस, तो सबसे पहले हम ले सकते हैं फॉरेन लॉ के ऊपर. हाँ, किस पे ले सकते हैं? उसके ऊपर हम ले सकते हैं साइंस और आर्ट के ऊपर. थर्ड हमारा है हैंडराइटिंग को आइडेंटिफाई कराने के लिए हम ले सकते हैं, ठीक है पूजा, सॉरी अनीता. और नेक्स्ट है आपका, ओके मैम, फिंगर इंप्रेशंस के कॉन्टेक्स्ट में. फिंगर इंप्रेशंस में, फिंगर इंप्रेशंस की अगर हम बात करें, फिंगर इंप्रेशंस के लिए भी हम एक्सपर्ट ओपिनियन ले सकते हैं. नेक्स्ट अब हम चलो स्टार्ट करते हैं आगे से, जहां से निकल पड़े उसके आगे से स्टार्ट करते हैं. स्क्रीन विजिबल है सबको? बेरक दिख रहा है ना? बेरक सबके पास है ना? आप लोगों के पास तो हमने कल 51 तक कर लिया था ना? अब आ जाते हैं 52 के ऊपर, विच टॉक्स अबाउट कैरेक्टर व्हेन रेलेवेंट. किस किस केस में कैरेक्टर रेलेवेंट होता है, किस किस केस में कैरेक्टर ऑफ अ पर्सन इज रेलेवेंट? आप लोगों को कुछ आइडिया है कि कैरेक्टर कब रेलेवेंट होता है? एनी आइडिया? क्या सिविल केस में किसी पर्सन का कैरेक्टर रेलेवेंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, मुझे बताइए आप लोग. सिविल केस में किसी पर्सन का कैरेक्टर रेलेवेंट हो सकता है कि नहीं हो सकता है? होना चाहिए. आपको क्या लगता है कि आप किसी सिविल केस के लिए जा रहे हो, प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिस्प्यूट है उसका, तो उसका कैरेक्टर का कोई इंपॉर्टेंस होगा उस केस में कि वो कैरेक्टर अच्छा है कि बुरा कैरेक्टर का है? अच्छे बुरे का तो नहीं मैम, बस कि उसकी एबिलिटी है प्रॉपर्टी खरीदने की या नहीं, बस. और उससे उसका कैरेक्टर से डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है. आज लगा कुछ प्रॉब्लम आ रही लोगों को ज्वाइन करने में. सो बेसिकली इन सिविल केसेस कैरेक्टर टू प्रूव द कंडक्ट इंप्यूटेड इज इररेलेवेंट. कैरेक्टर क्या होता है सिविल केसेस में? इररेलेवेंट होता है. इन सिविल केसेस द फैक्ट दैट द कैरेक्टर ऑफ एनी पर्सन कंसर्न्ड इज सच एज टू रेंडर प्रोबेबल और इम्प्रोबेबल एनी कंडक्ट इम्प्यूटेड अपॉन हिम इज रेलेवेंट. कि क्या एक पर्टिकुलर पर्सन ये काम कर सकता है कि नहीं कर सकता है, ये क्या हो जाएगा? रेलेवेंट नहीं रहेगा
इररिलेवेंट हो जाएगा इन सिविल केसेस. तो सिंपल आपको याद रखना है कि अगर हम सिविल केस की बात करें तो कैरेक्टर क्या हो जाता है, इररिलेवेंट, एक्सेप्ट एंड सो फार एज सच कैरेक्टर अपीयर्स फ्रॉम द फैक्ट अदरवाइज रेलिवेंट. अगर उसके कैरेक्टर को मतलब अगर फैक्ट से कुछ अलग चीज दिख रही है तो ठीक है, नहीं तो ये रेलिवेंट नहीं होता है, रेलिवेंट नहीं होता है. नेक्स्ट 53 बात कर रहा है इन क्रिमिनल केसेस प्रीवियस गुड कैरेक्टर इज रेलिवेंट. अगर हम क्रिमिनल केस की बात कर रहे हैं तो आपका पिछला गुड कैरेक्टर ही रेलिवेंट होगा, बैड कैरेक्टर रेलिवेंट नहीं होगा, बैड कैरेक्टर रेलिवेंट नहीं होगा. ठीक है, तो सिविल केसेस में कब रेलिवेंट, क्या है रेलिवेंसी का, रेलिवेंट नहीं, सिविल केस में रेलिवेंट नहीं होगा और क्रिमिनल केस में सिर्फ गुड कैरेक्टर रेलिवेंट होगा, सिर्फ गुड कैरेक्टर ही रेलिवेंट होगा. बैड कैरेक्टर क्या रेलिवेंट होगा सिविल क्रिमिनल केस में? नो मैम. बैड कैरेक्टर, हाँ जी, नहीं बोलिए. नहीं मैम कुछ नहीं. अब 53A देख लेते हैं. 53A ऐड कब हुआ था? 53A जो आपका सेक्शन है वो कब ऐड हुआ था देखो उस अपने बैरक में 2013 में. और 2013 में क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट आया था ना, 2013 में. ये आपको याद रखना है, जो 2013 वाले अमेंडमेंट है वो सारे इंपॉर्टेंट है, 2013. और उसकी इन्फोर्समेंट डेट क्या है, 3 फरवरी 2013. 53A बात करता है एविडेंस ऑफ कैरेक्टर और प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस नॉट रेलिवेंट इन सर्टेन केसेस. किस किस केसेस में आपका एविडेंस आप कैरेक्टर पे या प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस पे नहीं दे सकते, कब कब रेलिवेंट नहीं होगा. इन द प्रोसिक्यूशन ऑफ ऑफेंस अंडर सेक्शन 356 ए बी सी डी 376 ए बी सी डी ई of the Indian Penal Code or attempt to commit any such offences. ये सारे offences किस चीज़ से deal करते हैं? ये deal करते हैं offence against woman की category में. 354 तो आपका sexual assault harassment की बात करता है. 376 आपकी rape की punishment है. तो अगर ऐसा कोई charge लगा है, उस case में क्या evidence of character आप दे सकते हो? नहीं दे सकते ना? वो relevant नहीं होगा. या किसी person का previous sexual experience भी रेलिवेंट नहीं होगा. वेयर द क्वेश्चन इज ऑफ कंसेंट इज इन इशू. क्या जब क्वेश्चन कब हो, कंसेंट का क्वेश्चन हो, क्या इस पर्सन ने कंसेंट दिया था कि नहीं दिया था, कंसेंट दिया कि नहीं दिया था, तो उस केस में एविडेंस ऑफ द कैरेक्टर ऑफ द विक्टिम, किसके कैरेक्टर की बात हो रही है, विक्टिम के कैरेक्टर, और ऑफ सच पर्सन प्रीवियस सेक्शुअल एक्सपीरियंस विद एनी पर्सन शैल नॉट बी रेलिवेंट ऑन द इशू ऑफ सच कंटेंट और द क्वालिटी ऑफ कंसेंट. कंसेंट के मैटर्स में आपका कैरेक्टर पे आप रेलिवेंट आप प्रूफ रेलिवेंट नहीं दे सकते, आपका कैरेक्टर रेलिवेंट नहीं होगा उस केस पे. क्लियर हुआ ये पॉइंट? विक्टिम का कैरेक्टर मैम? हाँ विक्टिम का. मान लो अगर एक मतलब एक कोई एक्स पर्सन है हु इज अ वुमन बेसिकली इस पे, क्योंकि हमारे वहां जो सेक्सुअल ऑफेंसेस होते हैं वो अगेंस्ट वुमेन ही होते हैं. तो अगर आप देख रहे हो कि कोई वुमेन है, तो अगर वुमेन फॉर एग्जाम्पल कोई वुमेन है, अगर उस केस में अगर उसको उसके ऊपर शी हैज क्लेम दैट मतलब उसने चार्ज लगाया किसी पर्सन के ऊपर दैट ही हैज रेप्ड हर, तो उस केस में वुमेन का प्रीवियस सेक्सुअल कैरेक्टर नहीं देखा जाएगा, एक्सपीरियंस नहीं देखा जाएगा, कि वुमेन का कैरेक्टर नहीं जज किया जाएगा कोर्ट में कहीं ना कहीं. मैम ये पूरा सेक्शन ही उसी की बात कर रहा है क्या, कि विक्टिम को भी करेक्टर नहीं जज किया जाएगा? हाँ विक्टिम का करेक्टर, कि अब उसका प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस क्या रहा है उसके में कोई मतलब नहीं है, उसका कैरेक्टर कैसा रहा हमसे कोई मतलब नहीं है, वो रेलिवेंट ही नहीं है इस केस में. और किस कंटेक्स्ट में रेलिवेंट नहीं है, कि उसने कंसेंट दिया था कि नहीं दिया था, क्योंकि अगर आप रेप के डेफिनेशन में पढ़ते हैं आईपीसी के अंदर 375 में जो लिखा है कि उसमें कंसेंट इज अ वेरी गुड वेरी बिग फैक्टर इन दैट केस, कंसेंट ही एक सबसे बड़ा थिंग होता है. ठीक है, समझ में आया अनीता? क्लियर हुआ पॉइंट? यस मैम. आज अटेंडेंस इतनी लो क्यों है, आज कुछ है क्या? नेटवर्क इशू होगा मैम. नहीं तो फिर कोई शादीवादी का सीजन चल रहा है तगड़ा. 54 क्या बात करता है आपका, प्रीवियस बैड कैरेक्टर नॉट रिलेवेंट एक्सेप्ट इन रिप्लाई. जो आपका प्रीवियस बैड कैरेक्टर होता है वो रेलिवेंट नहीं होता है एक्सेप्ट इन रिप्लाई. क्या गुड कैरेक्टर रेलिवेंट होता है?
यस मैम, क्रिमिनल केसेस में, क्रिमिनल केसेस में गुड कैरेक्टर रेलेवेंट हो जाता है. अब आपका प्रीवियस बैड कैरेक्टर इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग, किसकी बात हो रहा है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में द फैक्ट दैट द अक्यूज्ड पर्सन हैज अ बैड कैरेक्टर इज इररेलेवेंट अनलेस एविडेंस हैज बीन गिवन, अनलेस एविडेंस हैज बीन गिवन. That he has a good character, in which case it becomes relevant. अगर कोई बता रहा है कि नहीं इस person का तो good character है भाई, तो अगर आपको reply में देना है कि नहीं इस person का good character नहीं है, सिर्फ bad ही character है, तब आपका वो relevant हो जाएगा. जैसे मान लो एक particular case है, A का good character का बोला जा रहा है कि A जो accused person है, he is of a good character. तो इस केस में जो विक्टिम है वो ए के अगेंस्ट बैड कैरेक्टर का एविडेंस दे सकता है एंड इट विल बी रेलिवेंट. कब रेलिवेंट हो रहा है, वो रिप्लाई में दे रहा है ना. क्या वो डायरेक्टली बोल सकता है कि ए का बैड कैरेक्टर है? डायरेक्टली नहीं बोल सकता, बस रिप्लाई में दे सकता है, बस रिप्लाई में दे सकता है, क्योंकि बैड कैरेक्टर इज इररेलेवेंट कैरेक्टर, एक तरह से इसमें भी इररेलेवेंट हो जाता है. क्लियर? हां, इसका मतलब मैम ये है कि जैसे अपन उससे इंटरोगेशन करते हैं तब उस वो किसी का रिप्लाई करे तो. हां एक्चुअली उसी में आएगा. इंटरोगेशन में भी क्या कहेंगे, उनको बोलेंगे नहीं ये तो बहुत अच्छे हैं, इनसे मतलब कोई गलती नहीं हुई है, उस केस में वो फिर इररेलेवेंट हो जाता है. Basically, क्या है कि in criminal proceeding, the fact that the accused person has a bad character, कि हम ये बोले कि नहीं नहीं एक का तो bad character है, तो ये irrelevant है, unless आप उसको reply में दे रहे हो. मतलब कि पहले किसी ने बोल दिया कि नहीं नहीं एक का तो बहुत ही अच्छा character है, ये तो बिल्कुल कुछ गलत कर ही नहीं सकता, अब आप reply में दे सकते हो कि नहीं नहीं इसका तो bad character है. ठीक है? This section does not apply to the cases in which bad character of any person itself is an fact and issue. अगर bad character अपने आप में ही fact and issue होगा तो क्या आप उस पर, क्या ये section apply करेगा उसके ऊपर? 54? No ma'am. क्योंकि आप उस केस में तो उस बैड कैरेक्टर पे वो दोगे ही ना, दोगे एविडेंस. प्रीवियस कन्विक्शन इज रेलेवेंट एज द एविडेंस ऑफ बैड कैरेक्टर एंड दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग. इससे बाय टाइम अगेन क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि क्या प्रीवियस कन्विक्शन बैड कैरेक्टर को डिनोट करता है कि नहीं करता है. क्या प्रीवियस कन्विक्शन रेलिवेंट होगा एज बैड कैरेक्टर? तो हाँ बिल्कुल होगा, प्रीवियस कन्विक्शन विल बी relevant as bad character. ठीक है? तो मैम ये अपन सारे केसेस में थोड़ी कर सकते हैं, ये तो डिपेंड करता है ना कि किस जो पहले वाला जो कन्विक्शन है वो किससे हुआ है. हाँ हाँ obviously depend करेगा ना कि हाँ normally defamation का केस मान लो और फिर उसके ऊपर दोबारा जो कुछ उस पे वो कन्विक्शन हो जाता है वो सजा जो भी है उसके बाद बाहर आ जाता है, फिर उसके बाद उसके मान लो रेप का केस होता है तो अपन उसको रेलेवेंट थोड़ी मानेंगे. नहीं नहीं उसमें क्यों रेलेवेंट, बस प्री सेम ऑफेंस के कॉन्टेक्स्ट में होता है वो, ऑफेंस डिफरेंट है तो कैसे वो उतना रेलेवेंट नहीं होता है. ठीक है? उसके बाद सेक्शन 55 देखते हैं हम. 55 बात कर रहा है कैरेक्टर एज अफेक्टिंग डैमेजेस. डैमेजेस मतलब क्या है यहाँ पे सुरभि? डैमेजेस का मतलब क्या है यहाँ पे? अनीता डैमेजेस का मतलब क्या है यहाँ पे? कॉम्पेंसेशन. कॉम्पेंसेशन कॉम्पेंसेशन क्या है? कॉम्पेंसेशन है. इन सिविल केसेस द फैक्ट दैट अ कैरेक्टर ऑफ एनी पर्सन इज सच एज टू अफेक्ट द अमाउंट ऑफ डैमेजेस. अगर कैरेक्टर ऐसा है कि उसका अमाउंट ऑफ डैमेज जो उसको देना है या मिलना, विच ही ऑट टू रिसीव, जो उसको मिलना है अगर उस केस में कहीं ना कहीं रेलिवेंट हो रहा है तो उस केस में कैरेक्टर रेलिवेंट हो जाएगा. इन सिविल केसेस द फैक्ट दैट द कैरेक्टर ऑफ एनी पर्सन इज सच एज टू अफेक्ट द अमाउंट ऑफ डैमेजेस, कि आपको कितना डैमेजेस कॉम्पेंसेशन मिलना वाला है वो आपका कैरेक्टर से अफेक्ट होने वाला है, तब आपका कैरेक्टर उस केस में रेलिवेंट हो जाएगा. ठीक है? एंड कोई एग्जांपल बता दो इसका. इसका एग्जांपल मान लो डिफेमेशन का देख लेते हैं अगर. ठीक है? डिफेमेशन का है, मान लो ए ने केस किया बी के ऊपर. सपोज ए ने केस किया है बी के ऊपर दैट ही हैज डिफेम्ड हिम, ही हैज
डिफेम्ड, डिफेमेशन का केस कर दिया है, ठीक है, ए वर्सेस बी हो रहा है, ठीक है। अब ए तो है बेचारा विक्टिम, ए तो है विक्टिम, अब ए कितना अमाउंट ऑफ डैमेज मांग सकता है, अमाउंट कितना मांगेगा कॉम्पनसेशन में, जितना उसका रेपुटेशन होगा, जिस हिसाब से उसका रेपुटेशन होगा उस हिसाब से ही मांगेगा ना। अब धोनी कितना कॉम्पनसेशन मांग सकता है, कितना भी मांग सकता है, करोड़ों में मांग सकता है, क्या हम लोग करोड़ों में मांग सकते हैं डिफेमेशन पे? ओके मैम, जैसे मतलब स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग कि वो कितनी हाई प्रोफाइल पे है या कितना, हाँ, और बेसिकली उसका कैरेक्टर कैसा है उसी के बेसिस पे, क्योंकि अमाउंट वैरी करेगा ना, एक नॉर्मल पर्सन का और एक सेलिब्रिटी का डिफेमेशन तो डिफरेंट होगा ना कहीं, डैमेजेस कहीं ना कहीं डिफरेंट होंगे ना उस तरह से, क्लियर। तो हमने अभी तक कैरेक्टर में क्या क्या देखा कि जो हमारा मेन हेडिंग थी कैरेक्टर, व्हेन रेलेवेंट, व्हेन रेलेवेंट हम लोग पढ़ रहे थे, और ये जो सेक्शन हमने देखे थे वो कहाँ से देखे, 52 से लेकर 55 तक, 52 से लेकर 55 तक हमने देखा कैरेक्टर व्हेन रेलेवेंट। तो आप लोग मुझे बताइए हमने क्या देखा अभी तक। 52 में सिविल केसेस में करेक्टर रेलिवेंट नहीं होगा। एक सेकेंड, अब मुझे बताओ क्या सिविल केस हो रहा है, अगर क्या अगर कोई सिविल केस हो रहा है तो क्या कैरेक्टर रेलिवेंट होगा, कैरेक्टर इररेलीवेंट हो जाएगा, नहीं होगा, कैरेक्टर इररेलीवेंट हो जाएगा। और ये आपका दिया है 52 में, 53 में क्या आप बोल रहे हैं कि क्रिमिनल केस में अगर कोई क्रिमिनल केस है तो उस केस में क्या रेलिवेंट होगा, प्रीवियस गुड कैरेक्टर, प्रीवियस गुड कैरेक्टर, गुड कैरेक्टर रेलिवेंट हो जाएगा, ये हमने देखा। उसके बाद हमने 53A देखा था, 53A में हमने क्या देखा कि अगर कोई पर्सन है जो विक्टिम है उसकी कंसेंट के रिगार्डिंग क्वेश्चन है, किसके रिगार्डिंग है, कंसेंट के रिगार्डिंग क्वेश्चन है, और ऑफेंसेस हैं सारे रिलेटेड टू वुमेन, लाइक 375, 376, 354, 354A, B, C, जो सेक्सुअल हैरेसमेंट रेप वाले सेक्शंस जो हैं, और जहां पे वुमेन का कंसेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो क्या उसका प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस या फिर उसका बैड कैरेक्टर, उसका कैरेक्टर रेलिवेंट होगा, नहीं, इररेलीवेंट हो जाएगा, उसका प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस या फिर उसका कैरेक्टर क्या हो जाएगा, इररेलीवेंट हो जाएगा, हम उसमें कोई भी एविडेंस नहीं दे सकते उसको दिखाने के कि उसने कंसेंट किया था कि नहीं किया था। और ऑफेंसेस कौन से हैं, 376, 376A, 376B, आपका 354A, जैसे पूरे सीरीज जो चलती है उसकी, A, B, C, इस केसेस में वो इररेलीवेंट हो जाएगा। फिर हमने 54 में क्या देखा, 54 में हमने देखा कि प्रीवियस बैड कैरेक्टर अगर आपका है, प्रीवियस बैड कैरेक्टर आपका है अगर, तो उस केस में आप सिर्फ रिप्लाई में दे सकते हो उसको, प्रीवियस केस को सिर्फ रिप्लाई में आप उसका रेलिवेंट होगा, अगर आप उसका एविडेंस दे रहे हो तो सिर्फ रिप्लाई में, एज रिप्लाई वो रेलिवेंट होगा, नहीं तो रेलिवेंट नहीं होगा। जनरल केसेस में क्या होता है कि आप बैड कैरेक्टर इज इररेलीवेंट, बैड कैरेक्टर जो होता है वो क्या हो जाता है, इररेलीवेंट हो जाता है। किस केस की बात हो रही है, कौन से मैटर में, क्रिमिनल प्रोसीडिंग में, किसमें, क्रिमिनल प्रोसीडिंग अगर हो रही है तो आपका अगर बैड कैरेक्टर है तो दैट इज इररेलीवेंट। और 55 में हमने क्या देखा, 55 में हमने देखा कि अगर आपका डैमेजेस इफेक्ट हो सकता है जो आपको मिलने वाला है, विच यू रिसीव, विच यू रिसीव, उस केस में कैरेक्टर की वजह से अगर वो वैरी हो सकता है तो कैरेक्टर रेलिवेंट हो जाएगा, कैरेक्टर रेलिवेंट हो जाएगा। इसका मैंने आपको एग्जांपल दिया डिफेमेशन वाला ना, क्लियर हुआ? यस सुरभि, शुभम, सारांश, अनिता, क्लियर हो रहा है? यस मैम, हो रहा है। तो कैरेक्टर के बारे में हमने ये सारी चीजें देखी, आगे हम बढ़ते हैं। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हमें देखना है, इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है, इसमें लिखा है इन सेक्शंस, क्लियरली इसमें मेंशनड है, इन सेक्शंस 52, 53, 55, द वर्ड कैरेक्टर क्या क्या इंक्लूड करेगा, बोथ रेप्यूटेशन एंड डिस्पोजिशन, आपका बोथ रेप्यूटेशन एंड डिस्पोजिशन इंक्लूड करेगा, एक्सेप्ट बट एक्सेप्ट इज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 54, एविडेंस मे बी गिवन ओनली ऑन जनरल रेप्यूटेशन एंड जनरल डिस्पोजिशन एंड नॉट ऑन पर्टिकुलर
acts by which reputation or disposition are shown. क्या मतलब है इस लाइन का? क्या समझ में आ रहा है? जनरल रेप्यूटेशन एंड डिस्पोजिशन से क्या मतलब समझ में आ रहा है बताइए. क्या क्लियर हो रहा है इसे? कुछ क्लियर हो रहा है इससे? डिस्पोजिशन, जनरल डिस्पोजिशन क्या मतलब होता है इसका? अच्छा रेप्यूटेशन क्या होती है किसी पर्सन की? व्हाट इज रेप्यूटेशन? अनीता स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की नहीं, बेसिकली अ पर्सन हैज अ रेप्यूटेशन मींस कि कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू है इन द आईज ऑफ पीपल. ठीक है, अदर पर्सन की आईज में उसकी कोई ना कोई वैल्यू है. और डिस्पोजिशन क्या बताता है? उसकी क्वालिटीज बताता है. तो इस केस में जब हम कैरेक्टर की रेलिवेंसी की बात कर रहे हैं तो जनरल कैरेक्टर एंड रेपुटेशन डिस्पोजिशन ही रेलिवेंट होता है, पर्टिकुलर वो रेलिवेंट नहीं होता. किसी पर्टिकुलर केस में उसने कैसा बिहेव किया था हमें ये नहीं देखना है. जनरली वो कैसा बिहेव करता है, उसके क्या क्वालिटीज हैं, उसके क्या रेपुटेशन है इन द आईज ऑफ पीपल, हमें ये देखना है. तो क्लियर हुआ ये पॉइंट? मैम जनरल डिस्पोजिशन का क्या मतलब बताया आपने? अब उसकी क्वालिटीज, क्वालिटीज के बारे में, नेचर ऑफ क्वालिटीज के बारे में. डिस्पोजिशन का मतलब होता है मतलब क्वालिटीज क्या है उसकी, बेसिकली वो कैसे बिहेव कर रहा है लोगों के साथ, ये चीज होता है. क्या क्या वो बहुत ज्यादा स्वीट है या बहुत ज्यादा मतलब होता है ना श्रूड है कि नहीं या बहुत सरकास्टिक है, ये सब चीजें डिपेंड करेंगी. ठीक है, तो यहां तक क्लियर हुआ? 55 तक क्लियर हुआ? आगे बढ़े. So, हमने पार्ट वन कंप्लीट कर लिया. पार्ट वन में हमने क्या क्या चीजें देखी थी कि कौन कौन से फैक्ट रेलिवेंट होते हैं. और पार्ट वन स्टार्ट कहां से हुआ था? पार्ट वन स्टार्ट कहां से हुआ है? सेक्शन 55 से लेकर आपका 55 तक हमें रेलिवेंसी देख ली कि कौन से फैक्ट रेलिवेंट होंगे. और इसी के लिए मैंने बताया था आपको ना ऑल फैक्ट admissibility and relevancy का मैंने difference बताया था ना. क्या लिखवाया था मैंने starting में आपसे? क्या देखा था हमने, याद है कुछ? जो मैंने एक syllogism लिखवाया था आपको, नहीं याद आ रहा? क्या लिखवाया था? All relevant facts are admissible, but all admissible facts are not relevant. याद आया? All relevant facts are admissible, but all ये लिखवाया था ना मैंने? Hello? Yes, ma'am. बट ऑल एडमिसिबल आर नॉट रेलिवेंट, वही एडमिसिबल होंगे जो कि आपके इस चैप्टर में दिए हैं, जो कि आपके इस चैप्टर में दिए हैं. ठीक है, सॉरी मैंने उल्टा बता दिया, सॉरी सॉरी, मैंने बताया था ये था ऑल एडमिसिबल एविडेंस आर रेलिवेंट, आर रेलिवेंट ये लिखवाया था ना मैंने अनीता. But yes, but relevant facts are not admissible. But all relevant evidence are not admissible. सिर्फ वही admissible होंगे जो कि आपका section 5 से लेकर 55 की category में आएंगे. ठीक है, मैंने उल्टा लिख दिया था. सिर्फ वही facts relevant होंगे जो आपके 5 से 55 की category में आएंगे. Clear? आगे बढ़ते हैं. अब जो आपका part 2 है, जो आपका पार्ट टू है वो किस चीज की बात करता है? हेडिंग क्या है उसकी? ऑन प्रूफ. किन किन चीजों का आप प्रूफ देंगे, ये आपका पार्ट टू बात करता है. क्या बात करता है? पार्ट टू आपको बात करता है किन किन चीजों का आप प्रूफ दे सकते हैं. ठीक है, या कौन कौन सी चीज का कोर्ट प्रूफ लेगा. तो सबसे पहले आपका जो चैप्टर थ्री है, इसमें जो चैप्टर थ्री है वो क्या बात करता है? हेडिंग क्या है चैप्टर थ्री की? Facts which need not to be proved. Facts which
नीड नॉट टू बी प्रूव, नीड नॉट टू बी प्रूव, क्या मतलब है इस लाइन का? सुरभि क्या मतलब है इस लाइन का? मैम जिन फैक्ट्स को प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है, जिन फैक्ट्स को प्रूव करने की आवश्यकता, ऐसे कौन से फैक्ट हो सकते हैं आपको जनरल बताओ मुझे, ऐसे कौन से फैक्ट लगते हैं आपको जिनको आपको कोर्ट में प्रूव ही नहीं करना पड़े? वो जैसे मैम आपने एग्जांपल दिया था कि 7 साल से अगर नीचे है तो कोई वो मर्डर कर ही नहीं सकता उस बच्चा। अच्छा, और कंक्लूसिव प्रूफ हो गया ना। और सबसे मान लो, पहले मान लो अगर किसी पार्टी ने एडमिट कर लिया है कोई फैक्ट, एडमिट कर लिया है कोई फैक्ट, तो क्या आपको उसको प्रूफ करने की जरूरत पड़ेगी? हाँ, ये हमने देखा था, याद करो, हमने जब हम सब पढ़ रहे थे, जब हमने एडमिशन पढ़ा था तो मैंने आपको ये चीज बताई थी ना, याद करो, अपने नोट्स जरा पलटो, आप लोगों ने लिखे हैं नोट्स? जब मैंने आपको एडमिशन पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि नहीं बताया था कि अगर आप कोई फैक्ट एडमिट कर रहे हो तो क्या उसको आपको प्रूफ करने की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? शुभम, पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? मैम नहीं पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। ये और कौन सा सेक्शन मैंने बताया था उस टाइम पे? मैंने सेक्शन भी बताया था, कौन सा सेक्शन था वो? मैम 58। जी हाँ, 58, सेक्शन 58 ये बात कर रहा है कि जो आपके पार्टी ने फैक्ट एडमिट कर लिए हैं वो आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमने पहला तो ये देख लिया कि कौन से फैक्ट हमें प्रूफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या था पहला? फैक्ट्स विच नीड नॉट टू बी प्रूफ, जिसमें एक तो आ गया अगर पार्टी ने एडमिट कर लिया है, पार्टी ने एडमिट कर लिया है, ठीक है, और ये आपका दिया है सेक्शन 58 में। और कौन से फैक्ट आपको एडमिट करने की जरूरत नहीं, प्रूफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सोचो। और कौन से फैक्ट आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी? जिन फैक्ट्स का कोर्ट अपने आप ही जुडिशियल नोटिस ले ले, क्या ले ले? जुडिशियल नोटिस ले ले, क्या आपको वो प्रूफ करने की जरूरत पड़ेगी? जुडिशियल नोटिस मतलब नोटिस करने का मतलब क्या होता है? जुडिशियल नोटिस संज्ञान लेना, संज्ञान लेना, या संज्ञान तो कॉग्निजेंस हो गया ना, एक्ट करना कहीं ना कहीं कॉग्निजेंस हो गया संज्ञान, तो कुछ और? जुडिशियल नोटिस का मतलब होता है द थिंग विच इज ऑलरेडी इन द नॉलेज ऑफ द कोर्ट, द थिंग विच इज ऑलरेडी इन द नॉलेज ऑफ द कोर्ट, इन द नॉलेज ऑफ, अगर कोई बात ऑलरेडी कोर्ट के नॉलेज में है तो क्या कोर्ट आपसे उस पर प्रूफ मांगेगी? क्या आपको यहाँ पे कोई प्रूफ देना पड़ेगा उस पर, ऑन प्रूफ? अनीता, प्रूफ देना पड़ेगा आपको? नो मैम, नहीं। और तो यह जुडिशियल नोटिस वाली बात लिखी है आपकी सेक्शन 56 के अंदर, किसमें लिखी है? सेक्शन 56 के अंदर। और सेक्शन जो 57 है वो एक लिस्ट देता है कि किन किन चीजों का कोर्ट अपने आप जुडिशियल नोटिस ले लेगा। फैक्ट्स विच द कोर्ट की फैक्ट ऐसा लिस्ट दिया हुआ है कि फैक्ट्स विच कोर्ट कैन टेक जुडिशियल नोटिस, जुडिशियल नोटिस। तो जुडिशियल नोटिस लेने का मतलब क्या, क्या प्राइम ऑब्जेक्टिव है? अगर कोर्ट किसी चीज का जुडिशियल नोटिस ले लेता है, इसका मतलब क्या है? हाँ, उसको आपको प्रूफ करने की जरूरत ही नहीं है, उसको कोर्ट को पहले से, ऑनरेबल कोर्ट को ये बात पहले से ही पता है, उनके नोटिस में ऑलरेडी ये बात है, ठीक है। और कौन कौन से फैक्ट को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है? सुरभि, कौन कौन से फैक्ट को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है? जो पार्टी एडमिट कर चुकी है, और जो जुडिशियल नोटिस में ले लिया है कोर्ट ने। हाँ, जो कोर्ट को जुडिशियल नोटिस लेना था इस चीज का, ऑलरेडी कोर्ट को जुडिशियल नोटिस लेना था इस चीज का, तो इसको हम रीड करते हैं। ये जो आपके सेक्शंस हैं, जो आपका ये चैप्टर 3 है, वो सिर्फ 56 से लेकर 58 तक है। कहाँ तक है? 56 से लेकर 58 तक, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको रीड करना। क्लियर हुआ ये पॉइंट ऑन प्रूफ वाला, और ये फैक्ट विच नीड नॉट बी प्रूव्ड? एवरीवन क्लियर हुआ?
ओके आते हैं यहाँ पे पार्ट टू बात करता है ऑन प्रूफ और चैप्टर थ्री पार्ट टू बात करता है ऑन प्रूफ और चैप्टर थ्री क्या बात कर रहा है फैक्ट्स विच नीड नॉट टू बी प्रूफ. सबसे पहले सेक्शन 56 देखते हैं. फैक्ट्स जुडिशियली नोटिसेबल नीड नॉट टू बी प्रूफ. नो फैक्ट विच द कोर्ट विल टेक जुडिशियल नोटिस विल नीड नॉट टू बी प्रूफ. अगर कोई फैक्ट को कोर्ट को पहले से ही जुडिशियल नोटिस लेना होगा तो क्या आपको उसको प्रूफ करने की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी. उसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. और आपका जो सेक्शन 57 है वो पूरा लिस्ट देता है कि कौन कौन से फैक्ट को कोर्ट को जुडिशियल नोटिस लेना पड़ेगा. फैक्ट्स ऑफ विच द कोर्ट मस्ट टेक जुडिशियल नोटिस. यहां तो कोर्ट ने 56 में बता दिया है, इन लोगों ने एविडेंस एक्ट ने बता दिया कि अगर कोई फैक्ट जुडिशियली नोटिसेबल है तो वो प्रूफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. अब ऐसे कौन से फैक्ट होंगे जो कोर्ट जुडिशियली नोटिसेबल कर लेगा? ये आपका 57 में लिस्ट दी गई है. किसमें दी गई है? 57 में. द कोर्ट शैल टेक जुडिशियल नोटिस ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स. अनिता रीड करो सारे. द कोर्ट शैल टेक जुडिशियल नोटिस ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स. ऑल लॉज इन फोर्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया. एक सेकेंड. अगर कोई भी लॉ टेरिटरी ऑफ इंडिया में इनफोर्स है क्या आपको कोर्ट को पहले बताना पड़ेगा कि नहीं नहीं ये लॉ है, आईपीसी का ये सेक्शन ऐसा बोलता है? क्या ये बताने की जरूरत पड़ेगी? कोर्ट को पहले से ही पता है ये सब चीज. ठीक है, आप अज्यूम करो कोर्ट को पहले. ऑल पब्लिक एक्ट्स पास्ड और हियर आफ्टर टू बी पास्ड बाय पार्लियामेंट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम एंड ऑल लोकल एंड पर्सनल एक्ट्स डायरेक्टेड बाय पार्लियामेंट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम बाय द जुडिशियली नोटिस. अब ये देखो यूनाइटेड किंगडम वाला तो अब रेलिवेंट रही नहीं गया, ये बता दे दो, क्योंकि ये 1872 का लॉ बना हुआ है तो इसलिए ये इतना रेलिवेंट नहीं रहेगा यूके का. अब वी आर नॉट द पार्ट ऑफ यूके ना, कि हमें यूके का लॉ पता होना चाहिए. हां, क्या यूके का पार्ट है? नो मैम. 33 बढ़ो. आर्टिकल ऑफ वॉर फॉर द इंडियन आर्मी नेवी और एयर फोर्स. तो कोई भी आर्टिकल्स ऑफ वॉर हैं जो भी जो डील करते हैं इंडियन आर्मी से, नेवी से, एयर फोर्स से, उसका कोर्ट को पहले से जुडिशियल नोटिस होना चाहिए. नेक्स्ट. The course of proceeding of Parliament of the United Kingdom, of the Constitution, Assembly of India of Parliament, and of the legislature established under any law for the time being in force in a province or in the state. तो course of proceeding पता होना चाहिए court को, Parliament का, UK की Parliament तो relevant हो गया, Constituent Assembly पहले Constituent Assembly था, बाद में Parliament हो गया, legislature का course of proceeding court को पता होना चाहिए. Next. यूनाइटेड किंगडम का ही नाम क्यों लिया गया? क्योंकि यहाँ पे नहीं, इसलिए लिया गया है कि एविडेंस एक्ट कौन सी ईयर का है शुभम? सॉरी मैम, एविडेंस एक्ट कौन सी ईयर का है? 1872 का. उस समय हम किसके रूल के अंदर थे एज इंडिया? हम किसके रूल के अंदर थे मैम? ब्रिटिश रूल के अंदर. ब्रिटिश रूल के अंदर थे और हम पे कहीं ना कहीं पूरा ब्रिटिश एम्पायर रूल कर रहा था. तो यूके थोड़ी था मैम उस समय, तो इंग्लैंड का वो था. तो वही उसी, वही बोलते हैं उसको, यूके ही बोलते हैं उसी कॉन्टेक्स्ट में, यूनाइटेड किंगडम के कॉन्टेक्स्ट में बोलते हैं. ठीक है, तो बार बार आपको ये यूके यूके ही दिखेगा. देखो नीचे में यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन कहीं कहीं मेंशन कर दिया, कहीं कहीं मेंशन नहीं करा. ये ऐसी है, ये जो यूके वाला पार्ट है, ग्रेट ब्रिटेन वाला पार्ट है, आयरलैंड वाला पार्ट है, आज के टाइम पे इररिलेवेंट हो गया है. इसको बस डिलीट नहीं किया है क्योंकि इसकी रेलेवेंसी है नहीं कोई. फिफ्थ पॉइंट अनीता. दैट सेशन एंड द साइन मैनुअल ऑफ द सॉवरेन फॉर द टाइम बीइंग ऑफ द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड इररिलेवेंट है. हमें क्या मतलब कि यूके में क्या चल रहा है, आयरलैंड में कौन है. सिक्स. All seals of which English court take judicial notice, the seal of all the five courts in India and of all courts out of India established by the authority of the central government or the crown representative, the seals of courts of admiralty and maritime jurisdiction and all seals which any person is authorized to use by the constitution or any act of parliament of the United Kingdom or an act of regulation having the force of law in India. एक सेकंड. सारे सील्स जो भी आपके पार्लियामेंट के हो, आपके लॉ में जो सोवरेन अथॉरिटी के सारे सील्स जो आपके टैग्स हैं आपको पता होना है. कोर्ट को ऑलरेडी जुडिशियल नोटिस होना चाहिए. आगे मैं पढ़ देती हूँ. द एसेशन टू द ऑफिस नेम्स टाइटल फंक्शंस एंड सिग्नेचर ऑफ द पर्संस फाइलिंग फॉर द टाइम बीइंग इन द फोर्स एनी पब्लिक ऑफिस फिलिंग फॉर द टाइम बीइंग इन द फोर्स एनी पब्लिक ऑफिस इफ द फैक्ट ऑफ देयर अपॉइंटमेंट टू सच ऑफिस इज नोटिफाइड इन द ऑफिशियल गैजेट. किसी भी पर्सन का
किसी भी पब्लिक ऑफिशियल का अगर कोई अपॉइंटमेंट ऑफिशियल गैटेज में आ गया है तो कोर्ट को उसका जुडिशियल नोटिस होना चाहिए अगर वो ऑफिशियल गैजेट में आ चुका है किसी का भी अपॉइंटमेंट। अब कोर्ट में आप जाके बताओगे कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है? हेलो नो मैम। नेक्स्ट है आपका द एग्जिस्टेंस ऑफ नेशनल फ्लैग टाइटल ऑफ एवरी स्टेट और सोवरेन रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। किसी भी स्टेट का एग्जिस्टेंस टाइटल नेशनल फ्लैग जो कि आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज करती है उसके बारे में कोर्ट को ऑलरेडी पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है द डिविजन ऑफ टाइम ज्योग्राफिकल डिविजन ऑफ द वर्ल्ड एंड पब्लिक फेस्टिवल फास्ट। ये इंपॉर्टेंट है पब्लिक फेस्टिवल फास्ट एंड हॉलीडेज नोटिफाइड इन ऑफिशियल गैजेट कोर्ट को ऑलरेडी जुडिशियल नोटिस होना चाहिए। टेरिटरीज अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंडिया की टेरिटरी कहां तक फैली है कोर्ट को पता होना चाहिए। द कमेंसमेंट कॉन्टिन्यूएंस एंड टर्मिनेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफ एनी अदर स्टेट और बॉडी ऑफ पर्सन की क्या उनके रिलेशन चल रहा है ये भी कोर्ट को पता होना चाहिए। द नेम ऑफ द मेंबर्स एंड ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट एंड ऑफ देयर डेप्यूटीज एंड सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स एंड असिस्टेंट्स ऑल्सो of all offices acting in execution of its process and of all advocates attorneys proctors vakils pleaders and other persons authorized by law to appear before or act before it jo bhi sare log uske authorized hain court ke samne appear karne ke jo court ke liye kaam karte hain officers hain court ko unke bare mein pata hona chahiye uska judicial notice hona chahiye। the rule of the road land or sea unko pata hona chahiye kya rules follow karte hain hum log theek hai। आगे क्या है इन ऑल दीज केसेस एंड ऑल्सो द मैटर्स ऑफ पब्लिक हिस्ट्री के मैटर पता होना चाहिए कोर्ट को, लिटरेचर के मैटर पता होना चाहिए, साइंस और आर्ट, द कोर्ट मे रिजॉर्ट फॉर इट्स एड ऑफ अप्रोप्रिएट बुक्स और डॉक्यूमेंट्स फॉर इट्स रेफरेंस। इफ द कोर्ट इज कॉल्ड अपॉन बाय एनी पर्सन टू टेक जुडिशियल नोटिस ऑफ अ फैक्ट इट मे रिफ्यूज टू डू सो अनलेस एंड अंटिल सच पर्सन प्रोड्यूसेस सच बुक्स और डॉक्यूमेंट एज इट मे कंसिडर नेसेसरी फॉर एन or to enable him to do so। इस लाइन का मतलब क्या है? क्या मतलब है इस लाइन का? अगर कोई पर्सन किसी कोर्ट को बोलता है कि आप जुडिशियल नोटिस लीजिए तो कोर्ट रिफ्यूज कर सकता है जब तक उस चीज पे जब तक वो पर्सन उसके सामने कोई ना कोई डॉक्यूमेंट या बुक प्रोड्यूस ना कर दे जो कोर्ट को हेल्प करे उसका जुडिशियल नोटिस लेने में। ठीक है, कोर्ट बोलेगा कि आओ पहले डॉक्यूमेंट लेके आओ फिर मैं जुडिशियल नोटिस लूंगा। और 58 क्या बात करता है, फैक्ट एडमिटेड नीड नॉट टू बी प्रूफ, नो फैक्ट नीड टू बी प्रूव्ड इन एनी प्रोसीडिंग व्हिच द पार्टीज देयर टू और देयर एजेंट्स अग्री टू एडमिट इन एनी हियरिंग ऑफ व्हिच बिफोर द हियरिंग दे अग्री टू एडमिट in writing by their hands or by any rule of pleading in force at a time when they have deemed to be admitted in by their pleading। pleadings kya hoti hai Anita, yaad hai kuch cpc mein pleadings padha tha humne, plain plus written statement। yes, plain kya written statement ko hum pleading bolte hain ki aapne wahan pe admit kar liya kisi ko ya kuch bhi cheez court ke samne in writing admit kar liya। नेक्स्ट क्या है, प्रोवाइडेड दैट द कोर्ट मे इन इट्स डिस्क्रिप्शन, हां अगर कोई पर्सन है उसने फर्स्ट हियरिंग में यही कह दिया कि हाँ मैंने इसका मर्डर किया था तो मतलब वो वहीं पे ही केस खत्म। हाँ, उसके बाद जो प्रोसीजर सीआरपीसी में फॉलो होता है ना कि अगर वो एडमिट कर लेता है अपना क्लेम तो फिर क्या होगा, है ना, वारंट ट्रायल में पढ़ा था ना हम लोगों ने, कुछ याद है आप लोगों को, पढ़ा होगा सीआरपीसी में। फिर उसके हिसाब से कोर्ट आगे बढ़ेगा। अगर वो मान लेता है कोर्ट गिल्टी, वो जाके अक्यूज गिल्टी प्लीड कर देता है तो कोर्ट उसको अकॉर्डिंगली उस केस को उसमें सजा दे देगा, उसको कन्विक्ट कर देगा। ठीक है, ओके मैम, अगर वो गिल्टी प्लीड कर देता है कि वो पर्सन से जाकर बोल सकता है कि आपने इवन तो आपने फैक्ट एडमिट कर लिया है, आओ मुझे बताओ, मुझे फर्दर एविडेंस दो, कोर्ट ऐसा बोल सकता है। ठीक है, क्लियर हुआ ये पॉइंट? हम्म,
आगे बढ़े, अब आ जाते हैं आपके चैप्टर फोर पे। किस पर आते हैं? चैप्टर फोर पे। चैप्टर फोर और फाइव आर समवेयर रिलेटेड टू ईच अदर। चैप्टर हमने एविडेंस की डेफिनेशन देखी थी, याद है कुछ एविडेंस की डेफिनेशन? डेफिनेशन क्लॉज कौन से सेक्शन में दिया है, मुझे याद दिलाना जरा, याद नहीं आ रहा सेक्शन कौन सा था मैम? सेक्शन थ्री। सेक्शन थ्री में एविडेंस, एविडेंस क्या इंक्लूड करता है, क्या बताया था हमने उस टाइम पे? बोथ ओरल और रिटन डॉक्यूमेंट्स। ओरल और रिटन एविडेंस। तो एविडेंस इसके अंदर जब हम एविडेंस की बात करते हैं, जो आपने डेफिनेशन दी है, दैट इंक्लूड्स ओरल एविडेंस आल्सो और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। रिटन को ही हम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहते हैं, ठीक है? और यही आपका दिया है चैप्टर, कौन सी चैप्टर में? चैप्टर फोर, फोर में, और चैप्टर फाइव के अंदर। चैप्टर फोर और चैप्टर फाइव के अंदर यही दिया है। चैप्टर फोर की हेडिंग कहां से कहां तक जाती है? 59 टू 60, 59 टू 60 होता है सेक्शंस। और ये कहां 61 से लेकर कहां तक जाता है? 90। हां 90 तक जा रहा है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। 90A तक जाता है। एक सेकेंड, हाँ ये 90A तक जाता है, ठीक है? तो सबसे पहले आप मुझे बताओ ओरल एविडेंस क्या होता है आपके अकॉर्डिंग? व्हाट इज ओरल एविडेंस? ओरल एविडेंस क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज जो आप कोर्ट के सामने बोलो, जो बोल के या गेस्चर्स हाँ, से दिए गेस्चर्स से या कोर्ट के सामने बताई जाए, तो वो क्या हो जाएगा? ओरल एविडेंस हो जाएगा। एनीथिंग विच इज एविडेंस गिवन बाय द वर्ड स्पोकन बिफोर द कोर्ट, बाय वर्ड्स स्पोकन बिफोर द कोर्ट। और ये इंक्लूड क्या, जेस्चर्स को इंक्लूड करेगा? बिल्कुल, दिस इंक्लूड जेस्चर्स एज वेल, जेस्चर्स को भी इंक्लूड करेगा, ठीक है? अब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या होता है? डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या होता है? एनीथिंग विच इज इन रिटन फॉर्म, रिटन भी, प्रिंटिंग भी, इलेक्ट्रॉनिक मोड, वो उसमें इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस आ जाता है। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस इसके अंदर आ जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक भी आ जाएगा, जो भी आपका एक रिटन फॉर्म में होता है, दैट इज नोन एज डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है। तो मैं मतलब इसको ऐसे बोल सकते हैं कि ओरल एविडेंस में ये सारे रिटन, आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है, फिर से बोलना। जो एविडेंस ओरल एविडेंस में है वो सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। बिल्कुल, तो जो आपका जो भी आपकी डॉक्यूमेंट्री नहीं, वो ओरल पे ऐसा हाँ बोल सकते हैं, ऐसा बिल्कुल बोल सकते हैं। अब एक चीज और है कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका कि जो ओरल एविडेंस है ना, जो आपका ओरल एविडेंस है, दैट मस्ट बी डायरेक्ट, मस्ट बी डायरेक्ट। इस फ्रेज का क्या मतलब है? इसका मतलब क्या है डायरेक्ट होने का मतलब क्या है? ओरल एविडेंस आपका डायरेक्ट होना चाहिए, इसको हम कैसे समझेंगे? शायद उसको ऐसे समझेंगे कि जैसे मैंने कुछ देखा तो इसके हाँ। बारे में मैं खुद बोल रहा हूँ, मतलब हाँ। ये नहीं कि मैंने एक को बताया ए जाके इसको बोल रहा हूँ। जो पर्सन ने देखा है वही जाके बताएगा, ठीक है? जिसने सुना है वही जाके बताएगा, और जिसने उसको परसीव किया, एविडेंस को आप परसीव कर सकते हैं ना, वही जाके कोर्ट में बताएगा, तो ही वो ओरल एविडेंस। ये ना हो कि मैंने अगर जाके अनीता तुम्हें बता दिया कोई चीज की, नहीं मैंने देखा था बी को मर्डर करते हुए ए का, तो क्या अब तुम जाके अगर कोर्ट में बता रही हो तो क्या वो डायरेक्ट एविडेंस माना जाएगा? नहीं मैम, वो हियर से एविडेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हियर से एविडेंस हो जाएगा।
तो आपका बेसिक मतलब ये है कि ओरल एविडेंस हमेशा डायरेक्ट होना चाहिए, यानी जिसने देखा है वो जाके बताए, जिसने सुना है वो जाके बताए, जिसकी ओपिनियन है। मान लो मुझे लगता है कि नहीं ए इज अ वेरी गुड पर्सन, ही होल्ड्स अ वेरी गुड रेपुटेशन, तो ये ओपिनियन मेरी है ना, तो मैं ही कोर्ट में लाके इस चीज की एविडेंस दूंगी, तो ही वो रेलेवेंट होगा, तो ही वो माना जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके सेक्शन के परसीव्ड मतलब मैम, तो हम महसूस करते हैं परसीव मतलब महसूस, क्योंकि जब आप एविडेंस की डेफिनेशन सॉरी फैक्ट की डेफिनेशन पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है ना कि व्हाट वी परसीव थ्रू आवर सेंसेस, जो हमें लगता है। ओरल एविडेंस पर आते हैं, 59 क्या बात कर रहा है, सेक्शन 59 टॉक्स अबाउट प्रूफ ऑफ फैक्ट बाय ओरल एविडेंस। All facts except the contents of document or electronic record. क्या कोई document को या electronic record को आप orally prove कर सकते हैं court में? No ma'am. No ma'am. मान लो मेरा, अच्छा पहले मुझे बताइए contract जो होता है contract law में क्या whether it should be written or oral? दोनों में हो सकता है मैम, दोनों में हो सकता है। मान लो मेरा और अनीता तुम्हारा कोई रिटन कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उस केस में क्या मैं कोर्ट में जाकर सिर्फ ओरली ये बोल सकती हूँ कि नहीं हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है? नहीं मैम। सुरभि क्या हम बोल सकते हैं? और डॉक्यूमेंट होता क्या है, डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन में क्या पढ़ा था? डॉक्यूमेंट क्या होता है? कोई भी मैटर जिसके ऊपर अपन लिख सकते हैं, कोई भी पदार्थ, कोई भी सिंबल बना सकते हैं, कोई भी सिंबल वाला, कोई भी करैक्टर वाला, या फिर हाँ, जिस भी मैटर को हम एक्सप्रेस करें या डिस्क्राइब कर सकते हैं थ्रू फिगर्स लेटर्स मार्क्स, यानी कि राइटिंग डॉक्यूमेंट होती है, कोई मैप डॉक्यूमेंट होता है, कोई कैरिकेचर डॉक्यूमेंट होता है, किसी भी फॉर्म में अगर उसको लिख पढ़ सकते हैं तो वो डॉक्यूमेंट हो जाता है। ठीक है, सो बेसिकली आपका सेक्शन 59 ये बोल रहा है कि सारे फैक्ट्स एक्सेप्ट डॉक्यूमेंट या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड आप कैसे प्रूव करेंगे, थ्रू ओरल एविडेंस। कैसे प्रूव कर सकते हैं? थ्रू ओरल एविडेंस के थ्रू आप प्रूव कर सकते हैं। क्लियर? अब 60 क्या बात कर रहा है, 60 60 क्या बात कर रहे हैं? सुर भी रीड करना 60 जरा। ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट, ओरल एविडेंस मस्ट इन ऑल केसेस व्हाटएवर बी डायरेक्ट, दैट इज टू से इफ इट रेफर्स टू अ फैक्ट व्हिच कुड बी सीन इट मस्ट बी द एविडेंस ऑफ अ विटनेस हु सेज ही सॉ इट। एक सेकंड, मान लो मैं बोल रही हूँ कि मैंने देखा था कि ए ने बी का मर्डर किया, ए ने बी का मर्डर किया, तो क्या सुरभि मेरे बिहाफ पे एविडेंस दे सकती है कि आई कि मैंने देखा कि मैम ने देखा था कि ए ने बी का मर्डर किया है? क्या ओरल एविडेंस दे सकती है सुरभि मेरे बिहाफ पे? नहीं, सिर्फ मुझे ही देना पड़ेगा कि मैंने देखा है अपनी आंखों से कि ए ने बी का मर्डर किया है। नेक्स्ट रीड करो सुरभि। इफ इट रेफर्स टू अ फैक्ट व्हिच कुड बी हर्ड It must be the evidence of a witness who says he heard it. ये किसके थ्रू होना चाहिए? This person ने इसको heard किया, directly heard कराया। Third, if it refers to a fact which could be perceived by any other sense or in any other manner, it must be the evidence of a witness who says he perceived it by that sense or in that manner. अच्छा, इसका मैं एक example, perceive करना क्या होता है? हम किस चीज को perceive करते हैं? ठीक है, मान लो आपको यूजुअली पता है ना कि जब इंसान की मतलब डेथ होती है तो बॉडी बहुत ठंडी पड़ जाती है, किसी ने सुना है ये चीज? यस मैम, यस। यूजुअली क्या होता है कि अगर आपने किसी को पॉइजन हो जाए तो ऐसे यूजुअली डेथ के केस में बॉडी बहुत ठंडी रहती है। तो मान लो अगर एक मिस्टीरियस सिचुएशन में एक ब्लाइंड पर्सन है, कौन है? ब्लाइंड पर्सन, ठीक है, वो गलती से किसी पर्सन की बॉडी को देखता टच करता है, तो उसको पता वो बॉडी एकदम ठंडी है, तो जब उसने परसीव किया तो उसको पता था कि बॉडी जब ठंडी हो जाती है तो इंसान कहीं ना कहीं उसकी पल्स भी नहीं चल रही है, वो डेथ है। तो क्या उसने कुछ अपने आंख से देखा है क्या? No. क्योंकि वो ब्लाइंड है,
क्या उसने कुछ सुना है? नहीं, लेकिन सिर्फ उसने परसीव किया है अपने टच के सेंस से, यहाँ ये बॉडी बहुत ठंडी है, उसकी कोई पल्स नहीं चल रही है, तो मतलब क्या है कि ही मस्ट बी डेड. तो जिस पर्सन ने ये सब कुछ परसीव किया है वही ओरल एविडेंस दे सकता है. ठीक है, नेक्स्ट सुरभि. If it refers to an opinion or to the grounds on which that opinion is held, it must be the evidence of the person who holds that opinion on those grounds. मतलब अगर मेरा opinion है तो मुझे ही जाके court पे देना पड़ेगा, किस ground पे देने मुझे बताना पड़ेगा. अब इसका exception दिया है यहाँ पे, क्या दिया है? Exception. और इसके exceptions ध्यान से सुनो कि किस case में आपका evidence direct, जो आपका oral evidence है direct नहीं हो सकता है. Provided that the opinion of experts expressed in any treatise commonly offered for sale and grounds on which such opinions are held may be proved by the production of such treatise if the author is dead or cannot be found or has become incapable of giving evidence or cannot be called as a witness without amount of delay or expense which the court regard as unreasonable. Second, provided also if the oral evidence refers to the existence or condition of any material thing or other document that the court, if it may think, require the production of such material thing for its inspection. क्या क्या दो exceptions हैं? क्या समझ में आया आपको इन दोनों से? क्या समझ में आया? Treatise क्या होता है? सबसे पहले मुझे बताओ treatise क्या होता है? ट्रिटाइज मतलब कोई बुक, कोई राइटिंग. क्या होता है? कोई बुक और राइटिंग. अगर मान लो कोई बुक और कोई बुक किसी ऑथर ने लिखी है और वो गायब हो गया, क्या हो गया? मान लो इसका एक्सेप्शन देख रहे हैं हम लोग. एक्सेप्शन मान लो कोई बुक है, इसको मिस्टर एक्स नाम के एक ऑथर ने लिखा है. अब उस ऑथर का वो, या तो उस ऑथर की डेथ हो गई है या तो वो गायब हो गए, मिल नहीं रहे और कोर्ट में बुलाया नहीं जा सकता है, तो उस राइटिंग को हम कैसे प्रूफ करेंगे? उस ऑथर को हमें पता नहीं जिसने लिखा है, तो उस केस में उसकी बुक के थ्रू हम उसकी राइटिंग को प्रूफ कर सकते हैं. ठीक है, उसकी बुक के थ्रू हम उसकी राइटिंग को प्रूफ कर सकते हैं. और अगर वो बुक सेल में चली गई हो, सेल में चली गई. अच्छा, दृश्यम 2 देखी किसी ने? सेम यही कहानी है उसमें. मैम अभी नहीं देखी. अरे यार आप लोग ना मूवी देख लो, पता है इससे अधिक एविडेंस हो जाएगा आपका कंप्लीट. स्पॉइलर दे देंगे नहीं तो हम आपको. नहीं मैम आज मत दीजिए प्लीज. अरे अब चलो जाने दो, छोड़ो. कहाँ अब देख रहे तो आपको ये एग्जांपल याद आएगा मेरा फिर, कि अगर कोई ऑलरेडी बुक है उसको अगर मान लो ऑथर नहीं मिल रहा, फिर भी हम उसकी बुक को जो ऑलरेडी सेल में जा चुकी है उसको हम प्रूफ कर सकते हैं, उसको हम प्रूफ कर सकते हैं. ठीक है, लिखा है ना opinion of expert expressed in any treatise of commonly offered for sale, जो ऑलरेडी मार्केट में आ चुकी है उसको हम प्रूफ कर सकते हैं. और नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट वाले से क्या समझ में आ रहा है? कौन सेकंड एक्सेप्शन क्या है? कि अगर आपका जो ओरल एविडेंस था ना वो किसी एग्जिस्ट, वो बता रहा था किसी एग्जिस्टेंस ऑफ एनी कंडीशन ऑफ अ मटेरियल थिंग अदर देन द डॉक्यूमेंट, कि कोई डॉक्यूमेंट के अलावा कोई चीज है, तो हम उसको इनडायरेक्ट एविडेंस के थ्रू भी शो कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं. इनडायरेक्ट एविडेंस के थ्रू भी प्रूफ कर सकते हैं. अब मान लो कोई आपने अशोका पिलर्स देखे हैं, अशोकन पिलर्स किसी ने देखा है? जो उनके अशोका के टाइम पे कुछ उन्होंने पिलर्स बना रखे हैं, या जिसको हम उसके बोलते हैं उनके इंस्क्रिप्शन बोलते हैं, तो एडिक्ट्स बोलते हैं इसको. कुछ आइडिया है? बता दे एनीवन. शिला लेख पता है क्या होता है? शिला लेख पत्थर पे मैम कुछ लिखा होता है जिससे. हाँ, तो अशोका ने भी बहुत सारे ऐसे शिलालेख बना रखे हैं, जैसे रॉक एडिक्ट्स, जिसको बोलते हैं रॉक एडिक्ट्स बना रखे हैं. तो उसपे अगर कोई आपको कोर्ट, उस पर कोई चीज लिखी हुई है, तो क्या आप उस पत्थर को लेकर कोर्ट में प्रेजेंट कर दोगे, उस शिलालेख को जो ऑलरेडी एक जगह पे है? नहीं, उसका आप ओरल एविडेंस दे सकते हैं, उसका आप ओरल एविडेंस दे. तो मैम डॉक्यूमेंट्री भी जा सकता है डायरेक्ट? कैसे जाएगा उठ के?
मतलब सर मैम पिक क्लिक कर ली या फिर... अरे तो फिर वो सेकेंडरी, वो दूसरी चीज आती है, ऐसे नहीं हो पाएगा. वो मटेरियल थिंग के इंस्पेक्शन के लिए अगर कोर्ट को लगेगा तो उस कंडीशन में फिर वहां पे ओरल एविडेंस दे सकते हैं. पिक नहीं होता ना, ऐसे नहीं मानते. तो क्लियर हुआ आपका ओरल एविडेंस? क्लियर हुआ सबको? सुरभि, अनीता, सारांश, शुभम, हेलो. यस मैम. यस मैम. क्लियर हुआ ना? अब आगे आ जाते हैं हम आपके किस पे. क्या है नेक्स्ट टॉपिक आपका? डॉक्यूमेंट्री एविडेंस. क्या है टॉपिक आपका? डॉक्यूमेंट्री एविडेंस. अब इसको थोड़ा समझो पहले आप लोग. देखो, जब भी हम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की बात करते हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या होता है? जो भी कुछ लिखा फॉर्म में हो, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो, दैट इज नोन एज डॉक्यूमेंट्री एविडेंस. अगर हमें कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस प्रूफ करना है, एविडेंस प्रूफ करना है, तो हम कैसे प्रूफ करेंगे? आपको क्या लगता है? मान लो मुझे एक डॉक्यूमेंट, मेरा ए और बी का एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, और कॉन्ट्रैक्ट एक डॉक्यूमेंट था, रिटन कॉन्ट्रैक्ट था, रिटन कॉन्ट्रैक्ट था, तो हम इसको कैसे प्रूफ करेंगे? कैसे प्रूफ करेंगे बताओ कि मेरा और ए का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है? हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट कॉन्ट्रैक्ट की सबमिट, ओरिजिनल कॉपी, ओरिजिनल कॉपी. ठीक है, तो बेसिकली हम ये बात करते हैं कि जब हम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की बात करते हैं, इसका प्रूफ कैसे हो सकता है? ईदर बाई प्राइमरी एविडेंस या सेकेंडरी एविडेंस. किसके थ्रू प्रूफ करते हैं? या तो हम प्राइमरी एविडेंस के थ्रू प्रूफ करेंगे, या तो सेकेंडरी एविडेंस के थ्रू प्रूफ कर सकते हैं. अब प्राइमरी एविडेंस क्या होता है, मुझे ये बताओ. प्राइमरी चीज क्या होती होगी? सोचो सोचो, दो मिनट. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्राइमरी एविडेंस? ओरिजिनल होते हैं जो ओरिजिनल जो डीड हो. हाँ, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हो, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हो, उसी को हम बोलते हैं प्राइमरी एविडेंस. अब मुझे ये बताइए, क्या कार्बन कॉपी ओरिजिनल होती है कि नहीं होती? नो मैम, नहीं होती है. सेकेंडरी एविडेंस होती है. अच्छा, तो फिर सेकेंडरी एविडेंस क्या होता है मैम? सर्टिफाइड कॉपी या कार्बन कॉपी. अच्छा, और अटेस्टेड डॉक्यूमेंट भी हो सकता है मैम. देखो, जिन केसेस में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देना पॉसिबल नहीं होता है, उस केसेस में हम सेकेंडरी एविडेंस देते हैं. क्या देते हैं? व्हेन इट इज नॉट पॉसिबल टू गिव ओरिजिनल एविडेंस, तो हम क्या देंगे उन केसेस में? हम क्या देंगे कोर्ट में जाके? सेकेंडरी एविडेंस देते हैं. क्या देते हैं? सेकेंडरी एविडेंस हम कोर्ट में जाके दे देते हैं. ठीक है, अब आ जाते हैं एक बार जरा सेक्शन रीड करते हैं. चैप्टर 5 क्या है आपका? डॉक्यूमेंट्री एविडेंस. तो 61 सेक्शन आपका बात करता है प्रूफ ऑफ कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट. किसी कंटेंट के डॉक्यूमेंट के कंटेंट को आप कैसे प्रूफ करेंगे? द कंटेंट्स ऑफ अ डॉक्यूमेंट मे बी प्रूव्ड ईदर बाय प्राइमरी एविडेंस और सेकेंडरी एविडेंस. कैसे प्रूव हो सकता है? या तो प्राइमरी एविडेंस से प्रूव होगा, या तो फिर सेकेंडरी एविडेंस से प्रूफ होगा. प्राइमरी एविडेंस की डेफिनेशन कहाँ दी गई है? 62 में. ये याद रख लो, ये जरूर पूछा जाता है, ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट सेक्शन पूछा जाता है. प्राइमरी एविडेंस कहाँ दिया है? 62 में. अब प्राइमरी एविडेंस होता क्या है? प्राइमरी एविडेंस मीन्स द डॉक्यूमेंट इटसेल्फ इज प्रोड्यूस फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट. जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट था वो आपने अपने आप ही प्रोड्यूस कर दिया कोर्ट में. एक्सप्लेनेशन 1. वेयर अ डॉक्यूमेंट इज एक्सिक्यूटेड इन सेवरल पार्ट, ईच पार्ट इज अ प्राइमरी एविडेंस ऑफ द डॉक्यूमेंट. क्या मतलब है इसका? सेवरल पार्ट का मतलब क्या है? मान लो एक कोई कॉन्ट्रैक्ट है, उसके बहुत सारे एनेक्सर्स होते हैं ना, ए बी सी डी, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, तो वो सारे ही प्राइमरी एविडेंस हो जाएंगे, क्योंकि बिकॉज दे फॉर्म द पार्ट ऑफ द सेम डॉक्यूमेंट ना, एक ही डील का पार्ट है ना वो सब. मान लो रिलायंस और जियो की, रिलायंस की और अडानी ग्रुप की कोई डील हो रही है अगर, तो वो क्या एक पन्ना का डॉक्यूमेंट होता है? एक पन्ने का कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो तो कई पार्ट्स में होता है, तो वो सारे ही जो पार्ट्स होंगे एक डॉक्यूमेंट, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, वो उसके ओरिजिनल या प्राइमरी एविडेंस हो जाएंगे, एविडेंस हो जाएंगे. नेक्स्ट क्या है? वेयर अ डॉक्यूमेंट इज एग्जीक्यूटेड इन काउंटर पार्ट, ईच काउंटर पार्ट बीइंग एग्जीक्यूटेड बाय वन ऑफ द सेम पार्टीज ओनली,
each counterpart is the primary evidence as against the parties executing it. Counterpart का मतलब क्या होता है? Counterpart का मतलब क्या होता है? बाद में अगर कोई डॉक्यूमेंट आया है तो एग्रीमेंट के बीच क्या आया है? नहीं और कॉन्ट्रैक्ट नहीं, नहीं और कुछ काउंटरपार्ट क्या होता है मैम? अगर पार्ट्स में वो डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट किया गया है पार्ट्स में हाँ पार्ट्स में किया गया है कि एक फर्स्ट पार्ट में फिर सेकंड पार्ट में डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में बैंक का वो देखा जब हम पैसे सबमिट करने जाते हैं बैंक में तो एक स्लिप मिलती है ना उसके दो पार्ट्स होते हैं यस मैम एक आपके पास रहता है एक बैंकर के पास जाता है हमें एक बैंक कॉपी होती है कस्टमर्स कस्टमर्स कॉपी होती है दैट आर नोन एज काउंटरपार्ट्स ठीक है वो काउंटरपार्ट होता है नेक्स्ट इसका एक्सप्लेनेशन टू क्या बोलता है कि वेयर अ नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर मेड बाय वन यूनिफॉर्म प्रोसेस एज इन द केस ऑफ प्रिंटिंग लिथोग्राफी और फोटोग्राफी ईच इज अ प्राइमरी एविडेंस ऑफ द कंटेंट ऑफ द रेस्ट बट वेयर ऑल द कॉपीज आर all are the copies from a common original but they are not considered as they are not primary evidence as to the contents of the original matlab photocopy kara li ek original copy uski 10 photocopy kara li kya wo sab original document ho jayenge primary evidence ho jayenge no ma'am nahi lekin maan lo aapne ek ek document ek pamphlet dala print karne ke liye aur usi pamphlet ki 10 print nikal liye theek hai uski cdr file thi aapne print pe dala uski 10 file nikal gayi to sare ek uniform process se aa rahe hai na sare document तो वो सारे प्राइमरी एविडेंस हो जाएंगे प्राइमरी एविडेंस हो जाएंगे एक से आप कॉपी नहीं बना रहे हो आप एक साथ कई नंबर में उसको जनरेट कर रहे हो तो वो सारे प्राइमरी एविडेंस कहलाएंगे वो सारे प्राइमरी एविडेंस कहलाएंगे उस केस में ठीक है इसका इलस्ट्रेशन देख लेते हैं अ पर्सन इज शोन टू हैव बीन इन पोजेशन ऑफ नंबर ऑफ प्लेकार्ड्स ऑल प्रिंटेड एट वन टाइम सारे कितने प्लेकार्ड मतलब भाई पैम्फलेट एक टाइम पे प्रिंट हुए थे फ्रॉम वन अच्छा फ्रॉम वन ओरिजिनल एंड वन ऑफ द एनी वन ऑफ द प्लेकार्ड इज द प्राइमरी एविडेंस ऑफ द कंटेंट्स ऑफ अनदर बट नो वन ऑफ देम इज द प्राइमरी एविडेंस ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द ओरिजिनल इसका मतलब क्या है एक ओरिजिनल से आपने 10 कॉपी बना ली कितनी बना ली 10 तो ये 10ों की 10ों जो कॉपी बनी है ये एक दूसरे के लिए प्राइमरी एविडेंस है लेकिन क्या इस ओरिजिनल कॉपी के लिए प्राइमरी एविडेंस है नो मैम नहीं क्योंकि इसके थ्रू बनी है ना ये आपस में तो एक दूसरे के लिए हो जाएंगी क्योंकि वन यूनिफॉर्म प्रोसेस से बन रही है लेकिन इसके लिए नहीं होंगी ठीक है और सेकेंडरी एविडेंस देख लेते हैं एक बार सेकेंडरी एविडेंस मींस एंड इंक्लूड्स सर्टिफाइड कॉपीज गिवन अंडर द प्रोविजंस हियर एंड आफ्टर कंटेन अगर आप क्या दे रहे हो सर्टिफाइड कॉपीज दे रहे हो सेकेंड क्या है कॉपी इज मेड फ्रॉम ओरिजिनल बाय अ मैकेनिकल प्रोसेस विच देमसेल्व्स इंश्योर द एक्यूरेसी ऑफ द कॉपी और कॉपी इज कंपेयर्ड विद सच कॉपी अगर सेम कॉपी से आप बना रहे हो ओरिजिनल कॉपी से आप बना रहे हो अलग अलग कॉपी बना रहे हो एक डॉक्यूमेंट की तो वो क्या हो जाएगा सेकेंडरी एविडेंस हो जाएगा कॉपी इज मेड फ्रॉम और कंपेयर्ड विद द ओरिजिनल अगर एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से आप कंपेयर करके या उसी को कॉपी करके कुछ और चीज बना रहे हो तो वो भी क्या हो जाएगा सेकेंडरी एविडेंस हो जाएगा और फोर क्या बोल रहा है काउंटर पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट एज अगेंस्ट The parties who did not execute them. जिस पार्टी ने उसको execute ही नहीं किया उसके पास भी कोई पार्ट है तो उसको साइन नहीं करा अगर तो वो भी सेकेंडरी एविडेंस हो जाएगा और फिफ्थ क्या है वेरी इंपॉर्टेंट ओरल अकाउंट्स ऑफ द कंटेंट्स विच ऑफ अ डॉक्यूमेंट गिवन बाय सम पर्सन हु हिमसेल्फ हैज सीन इट मान लो मैंने कोई डॉक्यूमेंट अपने आंख से देख रखा विल ए पर्सन था उसका विल मैंने ऑलरेडी देख रखा था और मैं बोल रही हूँ कि नहीं इसकी विल है इसकी विल में ये लिखा है कि इसने अपनी सारी प्रॉपर्टी अपनी सिर्फ अपने बेटे के नाम कर दी और अपनी वाइफ को बच और किसी बेटे को कुछ भी नहीं दिया अगर मैं इसका ओरली बता रही हूँ तो क्या ये प्राइमरी एविडेंस रहेगा हाँ अब ये सेकेंडरी एविडेंस बन जाएगा क्या बन जाएगा सेकेंडरी एविडेंस बन जाएगा और इसके इलस्ट्रेशन देख लेते हैं थोड़े बहुत A photograph of an original is the secondary evidence. Photograph क्या होता है? Hello. Photograph क्या होता है? Secondary evidence होता है.
though the two have not been compared. A copy compared with the copy of a letter by copying machine is a secondary. अगर आप copy photostat करा रहे हो तो वो भी क्या हो जाएगा? Secondary evidence हो जाएगा. ठीक है, अब आते हैं section 64 पे. 64 क्या बात कर रहा है? Proof of documents by primary evidence. Document किस तरह से proof करने चाहिए आपको? अगर कोई डॉक्यूमेंट है तो जनरल केस क्या बोलता है, कैसे प्रूफ करोगे? प्राइमरी एविडेंस के थ्रू ही प्रूफ करोगे. बट सेकेंडरी एविडेंस कब दे सकते हो? जो कि 65 में दिए हैं, सिर्फ उन्हीं ग्राउंड्स पे आप सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हो. और 65 का डील करता है कि किस केसेस में आप सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हो, जो हम कल पढ़ेंगे. ठीक है, तो हमने क्या क्या देखा आज? हेलो, देखा. उसके बाद हमने देखा था जो मेन, हमने वो तो कैरेक्टर देख लिया था हमने. उसके बाद हमने देखा था कि डॉक्यूमेंट हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं, थ्रू प्राइमरी एविडेंस और सेकेंडरी एविडेंस. प्राइमरी एविडेंस क्या होता है? कि आप डॉक्यूमेंट स्वयं लेकर आए, ओरिजिनली लेके आए, जो डॉक्यूमेंट था ओरिजिनली प्रेजेंट करें. सेकेंडरी क्या होता है? कि जब ओरिजिनल ना प्रेजेंट कर पाए तब क्या प्रेजेंट करेंगे? सेकेंडरी एविडेंस प्रेजेंट करेंगे. और 63 क्या बोल रहा है आपका? 63 सेक्शन क्या बोल रहा है आपका? सेकेंडरी एविडेंस. और 64 क्या बोल रहा है? प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट्स बाय प्राइमरी एविडेंस. अगर कोई डॉक्यूमेंट है, अगर कोई डॉक्यूमेंट है तो इसका प्रूफ आप कैसे दोगे? थ्रू प्राइमरी एविडेंस ही दोगे. एक्सेप्ट कौन से केस में? एक्सेप्ट जो ग्राउंड दिए हैं सेक्शन 65 के अंदर, उन्हीं ग्राउंड में आप क्या अलाउ, रिपोर्ट क्या अलाउ करेगा आपको? सेकेंडरी एविडेंस फॉर द सेकेंडरी एविडेंस अलाउ करेगा कोर्ट. ठीक है, और ये ग्राउंड कल देखेंगे हम लोग. कैरेक्टर कौन से सेक्शंस में रेलेवेंट है? रेलेवेंट है क्या? गुड कैरेक्टर रेलेवेंट होता है क्रिमिनल प्रोसीडिंग में? यस मैम. कौन से सेक्शन में गुड कैरेक्टर कौन से सेक्शन में रेलेवेंट है मैम? 53 में. 53 में. उसके बाद आपका बैड कैरेक्टर क्या रेलेवेंट होता है? ओनली रिप्लाई के टाइम. रिप्लाई के टाइम में. सिविल केसेस में क्या कैरेक्टर रेलेवेंट होता है? नो मैम. ठीक है, आज इतने ही रखते हैं. टुमारो वी विल मीट एट द सेम टाइम 9 PM. ओके, थैंक यू एवरीवन. थैंक यू मैम.